हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के जो भी एसएससी जेई में क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आईसी इंजन, इंटरनल कम्बस्चन इंजन, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक्स एंड एयर स्टैंडर्ड साइकिल। आईसी इंजन का बेसिक होगा और एयर स्टैंडर्ड साइकिल के पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। आज उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टर्लिंग एंड इरिक्सन साइकिल्स आर। स्टर्लिंग और इरिक्सन साइकिल कैसी हैं? इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल साइकिल है, इरिवर्सिबल है, क्वासी स्टैटिक साइकिल है, सेमी रिवर्सिबल साइकिल है। आपने देखा सुना होगा कि ये मैक्सिमम क्या होती है, जितनी भी हमारी साइकिल हैं, कार्नोट है, कार्नोट है, ब्रेटॉन है, ऑटो है, ये सभी साइकिल हमारी क्या होती है? रिवर्सिबल साइकिल होती है। तो इसी तरह से हमारा स्टर्लिंग और इरिक्सन साइकिल भी क्या है? रिवर्सिबल साइकिल है। कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन में हैव ए रेंज ऑफ। जो कंप्रेशन रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर। आर की वैल्यू डीजल इंजन के लिए कितना होती है? ये आपका यहाँ पे होगा एट अप्रोक्स 16 to 20। आंसर क्या हो जाएगा ये? अगर यही किसके लिए पूछा है, सीआई इंजन के लिए पूछा, डीजल इंजन के लिए पूछा है, अगर यही एसआई इंजन के लिए पूछा होता तो आपको क्या करना रहता है? ए। बट यहाँ पे कितना पूछा है, किसके लिए पूछा हुआ है? सीआई इंजन के लिए। ये किसके लिए है? सीआई इंजन। यही एसआई इंजन के लिए होता है तो क्या होता है? 6 to 10 किसके लिए होता है? एसआई इंजन के लिए। डुअल के लिए कितना होता है? आर इक्वल टू डुअल के लिए होता है 10 to 16 होता है डुअल इंजन के लिए, डुअल साइकिल इंजन के लिए। द टू स्ट्रोक्स साइकिल इंजन है, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के पास क्या है? वन सक्शन वाल्व एंड वन एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेटेड बाय वन कैम। नो, वन सक्शन वाल्व एंड वन एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेटेड बाय टू कैम। नो, ओनली पोर्ट्स कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय द पिस्टन टू इफेक्ट चेंजिंग एंड एग्जॉस्टिंग, चार्जिंग एंड एग्जॉस्टिंग। यस, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 का C। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो कह रहा है कि सेम आर क्या है, सेम है, इसके लिए किसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी? ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल, या डीजल साइकिल इज मोर इफिशियंट देन ऑटो साइकिल, या बोथ डीजल एंड ऑटो साइकिल्स आर इक्वली इफिशियंट? कंप्रेशन रेशियो हैज नथिंग टू डू विद इफिशियंसी। नो, जो हमारा एफिशिएंसी पे है, कंप्रेशन रेशियो तो इफेक्ट करता है। अब देखो, अगर यहाँ पर हमारा सेम कंप्रेशन रेशियो हो तो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ऑटो की, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी एफिशिएंसी होती है? ऑटो को। फिर किसकी होती है एफिशिएंसी? ऑफ डुअल साइकिल की। आफ्टर दैट एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। इसी तरह से पूछ ले, फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर, जब सेम मैक्सिमम प्रेशर के लिए पूछ ले, इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनल कम्बस्टन इंजन। देखो, अगर हम इंजन को क्लासीफाई करते हैं तो दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। इंटरनल कम्बस्टन इंजन होता है, एक आईसी इंजन, एक ईसी इंजन। इंटरनल आईसी इंजन में क्या होता है? कम्बस्टन इनसाइड होता है, इंजन के इनसाइड में होता है कम्बस्टन। एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन में कम्बस्टन जो होता है आउटसाइड होता है, कहीं इधर कम्बस्टन हो रहा है, उसका जो प्रोडक्ट आता है उसी की हेल्प से जो इंजन ऑपरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आईसी इंजन कौन सा इंजन होगा? कह रहा है कि
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन आईसी इंजन, इनमें से कौन सा आईसी इंजन नहीं है? तो देखते हैं, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, नो, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये सब क्या है? इंटरनल कंबस्टन इंजन है। डीजल इंजन, इनमें भी कंबस्टन क्या होता है? अंदर होता है। स्टीम इंजन जो है हमारा, ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल इंजन है। ये हमारा क्या है? ईसी इंजन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई रिवर्सिबल साइकिल, इनमें से कौन किसकी साइकिल क्या होती है? ई रिवर्सिबल होती है। कार्नोट की, ये सब क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। स्टर्लिंग, ये भी रिवर्सिबल। इरिक्सन, ये भी रिवर्सिबल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिक्स का डी। कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज, जो कंप्रेशन रेशियो यानी कि आर आईसी इंजन का क्या होता है? देखो, जो आर हमारा क्या होता है, V1/V2, ये हमारा क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो होता है। तो V1 क्या होता है? वॉल्यूम बिफोर द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन क्या होता है? V1 होता है। आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? V2। और V2 को जैसे, ये है हमारा PV डायग्राम, जैसे ये था, यहाँ सबने क्या किया? कंप्रेस किया। ये हमारा क्या है? V1 है। ये क्या? बिफोर कंप्रेशन है। ये क्या है हमारा? V2 है, आफ्टर कंप्रेशन है। और ये वैल्यू हमारी क्या है? जो V2 इज इक्वल टू क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? VC। VC क्या होता है? क्लियरेंस वैल्यूम। और V1 - V2 का जो डिफरेंस होता है, ये क्या होता है हमारा? स्विफ्ट वैल्यूम। तो हम कंप्रेशन रेशियो आर को ऐसे लिख सकते हैं ना, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? VC प्लस VS डिवाइडेड VC। अब हम VC से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा? 1 प्लस VS/VC। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/C। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस 1/VC/VS क्या होता है? क्लियरेंस रेशियो होता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेवंथ का ए। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन। जो उसका रेशियो होगा वही हमारा क्या होता है? आर होता है, कंप्रेशन रेशियो। नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट फॉर ए टू स्ट्रोक साइकिल इंजन एज कंपेयर टू स्पीड टू द इंजन इन आरपीएम इज हाफ, डबल, सेम या 4 टाइम्स। इसका आंसर क्या होगा? सेम। एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, CI इंजन, इसमें से कौन सा है? देखो, जो डीजल साइकिल पे वर्क करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? CI इंजन। SI इंजन हमारा क्या होता है? ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। इसमें इग्निशन कैसे होता है? कंप्रेशन के थ्रू इग्निशन होता है इसमें। SI इंजन में किससे थ्रू इग्निशन होता है? स्पार्क के थ्रू होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, इसमें CI इंजन क्या है? नाइन्थ का बी। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है? जूल साइकिल पे, रैंकाइन साइकिल पर, कार्नोट साइकिल पर, ऑटो साइकिल पर। देखो, तो जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है ये किस पे का वर्क करता है, अभी हम आपको बताया था। ये हमारा क्या है? पेट्रोल इंजन, SI इंजन है। और SI इंजन किस पे वर्क करता है? ऑटो साइकिल पर। ठीक। प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल। विच प्रोसेसेस इज आर नॉट इन्वॉल्व इन एन एयर स्टैंडर्ड डुअल कंबस्टन साइकिल। कह रहे हैं डुअल साइकिल में कौन सा प्रोसेस नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि डुअल साइकिल में होता क्या क्या है। ये हमारा क्या है? प्रेशर है। ये हमारा क्या है? वॉल्यूम एक्सिस है। देखो, जो हमारा डुअल साइकिल होता है उसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, कुछ इस तरह से रहती है डुअल साइकिल। ठीक। ये है हमारा 1, ये है 2, ये 3, 4, 5। तो डुअल साइकिल में क्या क्या होता है? ये हमारे क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है।
ये क्या है, पी वी इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या है प्रेशर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये क्या है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, इसमें कौन सा प्रोसेस नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी का 4। कौन सा नॉट डुअल साइक्लिक में नहीं है, होता है डुअल साइक्लिक में क्या क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, फिर कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस डुअल साइकिल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कार्नोट इंजन यूजेस नाइट्रोजन एज ए वर्किंग फ्यूल, नाइट्रोजन क्या है वर्किंग फ्यूल है, हीट सप्लाइड इज 53 किलो जूल, यहाँ पे क्यू वन की वैल्यू कितना दिया हुआ है 53 किलो जूल, एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो इज 16, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो क्या हो जाएगा V1/V4, अगर ये कंप्रेशन रेशियो दिया होता तब हम आर लेते, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्सपेंशन रेशियो दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 16 रेशियो, ये दिया हुआ 16:1, और क्या दिया है द रिसीवर टेम्परेचर इज 293 केल्विन, रिसीवर टेम्परेचर दिया हुआ है यानी कि T1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 295 केल्विन दिया है, द हीट रिजेक्टेड इज इन किलो जूल, हीट रिजेक्टेड क्या होगा, अब देखो कार्नोट साइकिल है तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्नोट साइकिल का TS डायग्राम बना लेते हैं, ये हमारा टेम्परेचर, ये एंट्रोपी, एक से दो क्या होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, दो से तीन क्या होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, फिर थ्री से फोर क्या होता है, एक सेकेंड, इस तरह से होता है। अब यहां पे जो है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या T1 इक्वल टू T2 होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा T3 इक्वल टू T4 होगा, तो हमें इफिशियंसी की ये पता है, इसकी इफिशियंसी कंडीशन क्या है मैक्सिमम इफिशियंसी के, हो जाएगा इफिशियंसी इक्वल टू क्या 1 माइनस T1/T2, टी लोअर बाई क्या होगा, टी लोअर हमारा क्या है यहाँ पे T1 है, टी हायर क्या है T3 जो कि T4 की इक्वल है, T4 की इक्वल है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 माइनस T1/T3, अब देखो यहां से हमें T1/T4 लिख सकते हैं, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है V1/V4 दिया हुआ है, तो हमें एक इक्वेशन पता है T1/T4 इज इक्वल टू V2/V1 की पावर γ-1, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे और हमें पता है V1/V4 कितना है V1/V4, यहाँ सॉरी ये हो जाएगा V4/V1, V1/V4 क्या दिया हुआ 16:1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V4/V1 क्या हो जाएगा 1/16 की पावर γ-1, गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे गामा की वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 1.4 लेके चलेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम क्या रखेंगे T4 की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा T4 आ जाएगा, T4 की वैल्यू आएगा 3.03 × 295 केल्विन, अब ये T4 आ गया, इस T4 को हम इसमें रखेंगे तो 1 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 295/T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.03 × 295, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 0.67, अब हमें एफिशिएंसी आ गई, जब हमें एफिशिएंसी आ गई तो एफिशिएंसी को हमें किसके इक्वल दिखाना है, एफिशिएंसी इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस Q2/Q1 इज इक्वल टू 0.67, अब हमें Q1 पता है, देखो यहाँ पे हमें क्या है Q1 पता है, Q2 आ जाएगा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये Q2/Q1
इज इक्वल टू आ जाएगा 0.33। Q1 की वैल्यू कितनी है, 53 इंटू 0.33, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 17.49 किलो जूल। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर द साइकिल विच विल बी मोस्ट इफिशियंट। इसके लिए पूछा है मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर के लिए। अभी हमने आपको बताया था मैक्सिमम प्रेशर के लिए और एंड पीक टेम्परेचर के लिए सबसे क्या, डीजल ग्रेटर देन डूअल ग्रेटर देन ऑटो। आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए। फॉर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 20:1। आर की वैल्यू क्या हो गई, 21। एंड द कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो क्या है, 2। व्हाट इज द एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि डीजल इंजन में आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इन टू आर ई। तो यहाँ से आर ई आ जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई रो। आर की वैल्यू क्या है, 21/2। तो आर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10.5:1। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 का बी। फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ऑटो ग्रेटर देन डुअल ग्रेटर देन डीजल। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज हायर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन। देखो हमारा जो वर्क आउटपुट क्या होता है, पी मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्वेप्ट वॉल्यूम, ये हमारा क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर किसका किसका रेशियो होगा, तो नेटवर्क प्रोड्यूस्ड एंड क्या होगा, नेटवर्क प्रोड्यूस एंड क्रैंक केस वॉल्यूम, नहीं नेटवर्क प्रोड्यूस एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, नहीं ये किसका रेशियो हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम पी मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट अपन क्लियरेंस। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 16 का सी। द ऑटो साइकिल इफिशियंसी विथ यूजुअल नोटेशन इज गिवेन एस, वेयर आर इज कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स। तो इफिशियंसी की फार्मूला क्या होता है, 1 - 1/r की पावर गामा -1। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। फॉर द सेम आउटपुट एंड सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो। देखो जहां भी आपको सेम कंप्रेशन रेशियो मिल जाए, यानी कि आर की वैल्यू क्या है, सेम है, तो वहां पे ऑटो की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ऑटो साइकिल इफिशियंसी ग्रेटर देन किसकी हो जाएगी, डीजल की हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या दिया है, फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल इफिशियंसी ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज। क्या होगा, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी सेम कंप्रेशन रेशियो की क्या होगा, लेस होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। इनमें से कौन सी साइकिल जो है रिवर्सिबल नहीं है, कार्नोट ये भी रिवर्सिबल, एरिक्सन ये भी रिवर्सिबल है, स्टर्लिंग ये भी रिवर्सिबल है, जूल ये भी रिवर्सिबल है, सभी साइकिल हमारी क्या है, रिवर्सिबल है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ विच फोर प्रोसेसेस। देखो डीजल साइकिल कौन कौन से प्रोसेस रखता है, तो डीजल साइकिल के लिए हम क्या बना लें, पीवी डायग्राम बना लें। ये बन गया हमारा पीवी डायग्राम किसके लिए, डीजल साइकिल के लिए, 1, 2, 3, 4। अब यहां पे देखो कौन कौन से प्रोसेस है, क्या कोई आई, ये हमारा क्या है, पी वी इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। कौन सा प्रोसेस है, टू आइसेंट्रॉपिक, वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड वन कॉन्स्टेंट प्रेशर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 का सी। एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन। एयर स्टैंडर्ड
साइकिल की इफिशियंसी किसके लिए, डीजल साइकिल की किस पे डिपेंड करती है? तो डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, 1 - 1/r गामा माइनस वन इंटू रो की पावर गामा माइनस वन इंटू रो गामा इंटू रो माइनस वन। तो ये हमारा क्या होता है, डीजल इंजन की इफिशियंसी का फार्मूला होता है। तो अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट अपॉन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट यानी कि गामा, कट ऑफ रेशियो यानी कि रो, एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो यानी कि आर, ये क्या तीनों पे डिपेंड करता है। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्विफ्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड, कह रहा है नेट वर्क डन एंड स्विफ्ट वॉल्यूम ये किसके इक्वल होगा, ये किसके होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट एडेड, क्या होगा जब आर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ ऑटो ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डुअल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डीजल, अदरवाइज क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ डीजल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ डुअल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ऑटो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ए। इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल विद इन डिग्रीज इन कट ऑफ रेशियो, देखो जो डीजल साइकिल की इफिशियंसी होती है इंक्रीज करेगी अगर हम गामा की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, इफिशियंसी इंक्रीज करेगी अगर हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं, इफिशियंसी डिक्रीज करेगी अगर हम उसके कट ऑफ रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम कट ऑफ रेशियो को क्या करें, डिक्रीज करें, इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अगर हम कट ऑफ रेशियो डिक्रीज कर रहे हैं तो इफिशियंसी हमारी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। द आइडियल इफिशियंसी ऑफ एन इरिक्शन साइकिल विथ परफेक्ट रीजनरेशन एंड ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर लिमिट्स इज इक्वल टू जूल साइकिल, नो, इक्वल टू कार्नोट साइकिल, ये किसके इक्वल होगी, कार्नोट साइकिल के इक्वल होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच इज द रॉन्ग अजम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी के लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं, क्या होते हैं, ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल, यस, स्पेसिफिक हीट रिमेंस कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द टेम्परेचर, यस, यानी कि क्या है, सीपी एंड सीबी हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। नो अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंसिडर्ड, यस। तो यहाँ पे हमारा क्या, गैसेस डिसोसिएट एट हायर टेम्परेचर, नो, यहाँ पे यही हमारा अजम्पशन क्या है, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी के लिए रॉन्ग है। स्टर्लिंग एंड इरिक्शन साइकिल्स आर रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, क्वासी स्टैटिक साइकिल, सेमी इरिवर्सिबल साइकिल, ये दोनों साइकिल क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। इरिक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर प्रोसेस, ये कौन से दो प्रोसेस रखती है, देखो तो जो इरिक्शन साइकिल है हमारा, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ये हमारे क्या है, इरिक्शन साइकिल के पीवी डायग्राम है। अब आप यहां से बता सकते हो कि ये इसमें कितने प्रोसेस हैं, दो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टू क्या है, आइसोथर्मल है, और टू टू प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 का सी। ए पेट्रोल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, पेट्रोल इंजन किस पे ऑपरेट करता है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, कांस्टेंट एंट्रोपी साइकिल। तो हमारा पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे, और ऑटो साइकिल में क्या होता है, हीट एडिशन और हीट रिएक्शन हमारा किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। 29 का बी। फॉर द सेम हीट एडेड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल क्या होगा, मोर इफिशियंट होगा। विच गैस विल प्रोड्यूस द हाइएस्ट इफिशियंसी
इन एन ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल में कौन सी गैस हाईएस्ट इफिशियंसी देगी? हमें पता है इफिशियंसी का फार्मूला, 1 बाई आर पावर गामा माइनस वन। देखो इफिशियंसी, अगर हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी हमारा क्या होगा, इम्प्रूव होगा, या हम गामा की वैल्यू इंक्रीज करें तो इफिशियंसी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। जो हमारी मोनो एटॉमिक गैस होती है इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, 1.67। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस कौन सी है, हीलियम। 31 का क्या हो जाएगा, सी। इन एन ऑटो साइकिल एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 3 लीटर टू 2.4 लीटर फ्रॉम ए स्टार्टिंग प्रेशर ऑफ 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द नेटवर्क आउटपुट पर साइकिल इज 40 kJ। तो हमारा डब्ल्यू नेट क्या दिया हुआ है, 400 kJ। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज डेल्टा वी क्या है, 3 माइनस 2.4, 0.6 किसमें है, लीटर में है। इसको हम किसमें बदल लें, मीटर में। 0.6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। मीन इफेक्टिव प्रेशर पूछा है, हमें पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी मीन इफेक्टिव इंटू डेल्टा वी। पी मीन इफेक्टिव यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी। डब्ल्यू क्या है, 400 kJ है, × 10³ डिवाइडेड 0.6 × 10⁻³। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो पी मीन इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.667 × 10⁶। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो पास्कल में। तो ये 6.667 × 10³ आएगा आंसर हमारा प्रेशर का। बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक हो सकती है, या तो ये मीटर क्यूब में दिया हो, ये किस में दिया हो, मीटर क्यूब में दिया हो, या फिर ये जूल में दिया हो, किस में हो, जूल में केवल हो, तभी। अदरवाइज ये हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मेगा पास्कल में आएगा। ये आंसर किस में पूछा है, किलो पास्कल में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। एन आइडियल गैस विथ हीटिंग कैपेसिटी रेशियो इज टू इज यूज्ड, हीटिंग कैपेसिटी रेशियो इज टू, यानी कि क्या, किसकी वैल्यू दिया हुआ है, गामा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, टू। इन एन आइडियल ऑटो साइकिल विच ऑपरेट्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन कौन सा टेम्परेचर दिया है, मिनिमम टेम्परेचर कितना दिया है, 200 केल्विन। मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि T3 दिया हुआ है, 1800 केल्विन। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ साइकिल फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो हमें पता है मैक्सिमम वर्क के लिए कंडीशन क्या होती है, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 × T3। T1 क्या है, 200 × 1800। यहाँ से हमें T2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 600 केल्विन। ये हमारी क्या है, T2 की वैल्यू है। और हमें पता है कि T1 इज इक्वल टू क्या होता है, आर की पावर गामा माइनस वन। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं सभी, T2 / T1 क्या हो जाएगा, 6/200 इज इक्वल टू आर पावर 2 - 1। यहाँ से आ जाएगा 3 पावर r, r की वैल्यू क्या हो गई, 3। r ही हमारा क्या है, कंप्रेशन रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सी। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कब इंक्रीज करेगी, अभी हमने आपको बताया था वेरिएशन डीजल साइकिल के लिए, एफिशिएंसी कब इंक्रीज करेगी, जब उसका आर वैल्यू इंक्रीज करे, या उसका गामा की वैल्यू इंक्रीज करे, या फिर हम जो हमारा कट ऑफ रेशियो है उसको डिक्रीज करें। तो क्या हो जाएगा, विद डिक्रीजिंग कट ऑफ रेशियो, आंसर क्या हो जाएगा, 34 का बी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन ऑटो साइकिल, इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एडियाबेटिक इंडेक्स, यस। इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, यस। इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का डी।
विच आर द फॉलोइंग साइकिल इज यूज इन कंप्रेसर इग्निशन इंजन। सीआई इंजन में कौन सी साइकिल यूज होती है? हमने आपको बताया था कि सीआई इंजन में कौन सी साइकिल यूज करते हैं, डीजल साइकिल। एसआई इंजन में हम कौन सा यूज करते हैं, ऑटो साइकिल। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 36 का बी। 37 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स वर्किंग ऑफ एन आइडियल डीजल साइकिल ऑन पीवी स्केल। ये देखो कुछ पीवी स्केल दिए हुए हैं, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सा हमारा डीजल साइकिल है। अब आपको पता है डीजल साइकिल में क्या होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, और दो क्या होते हैं, पीवी का और कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो कौन सा ऐसे प्रोसेस में है ये पॉसिबल, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन केवल क्या है, ए ऑप्शन है। 37 का क्या हो जाएगा, ए। इसी में क्या है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, हीट रिजेक्शन है। विच ऑफ द इंजन हैज स्पार्क प्लग यूज्ड फॉर इग्नाइटिंग द फ्यूल। फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए हमें स्पार्क प्लग की जरूरत किसमें पड़ती है, ये हमारे पड़ती है एसआई इंजन में। और एसआई इंजन कौन से इंजन होते हैं, ऑटो साइकिल वाले इंजन होते हैं। और ऑटो साइकिल वाले इंजन ये एसआई इंजन कौन से होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं। ये कौन से इंजन होते हैं हमारे, पेट्रोल इंजन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 38 का ए। व्हाट हैपेंस टू द एफिशिएंसी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोअर्ड इन एन आईसी इंजन। जब देखो अभी एफिशिएंसी क्या फार्मूला पता है, जे वन माइनस टी वन बाई टी टू, इसी को किसके लिखते हैं, वन माइनस वन बाई आर की पावर गामा माइनस वन। अब कह रहा है कि अगर हम इंटेक टेम्परेचर को क्या कर दें, लोअर कर दें। इंटेक टेम्परेचर हमारा क्या है, टी वन है, टी वन हमारा क्या है, लोअर। जैसे ये वैल्यू लोअर होगी तो हमारी इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 39 का ए। डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल फ्यूल इज लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट, जस्ट अबव दैट सेम डिफिकल्टी टू इग्नाइट, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट या हाईली इग्नाइटेबल। डीजल इंजन जो हमारा डीजल फ्यूल होता है ये मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट होता है, क्यों, क्योंकि डीजल फ्यूल के पास क्या होता है, हायर फ्लैश पॉइंट होता है, हायर फ्लैश पॉइंट होता है। इसीलिए जो हमारा डीजल फ्यूल होता है उसको हमें इग्नाइट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल में आप जल्दी आग लगा लोगे बट डीजल में नहीं हो पाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ऑल द प्रोसेसेस इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आर अज्यूम्ड टू बी। जो हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए अजम्पशन है उसमें क्या है, सभी प्रोसेस कैसे होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, 41 का डी। हाउ इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आईसी इंजन रिलेटेड टू कंप्रेसर रेशियो। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि थर्मल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ हम क्या करें, कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करें। हमें पता है कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, किसी भी साइकिल में अगर हम इफिशियंसी क्या इंक्रीज करेंगे, अगर उसके हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करें। आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू बाई डब्ल्यू डब्ल्यू साइकिल नोन एज। देखो अगर हम डब्ल्यू आउटपुट की बात करें और क्यू इनपुट की बात करें तो ये हमारा क्या बताता है, इफिशियंसी बताता है, और भी क्या बताएगा, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। 43 का ए। विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करेगा एफिशिएंसी ऑफ साइकिल में, कंप्रेशन रेशियो, ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर। आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, आप इसमें से देख के कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए। आपको याद कर लेना है ऑटो साइकिल के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर आर इज इक्वल टू पी, क्या है ये हमारा रो, रो आर, फिर हमारा क्या हो जाएगा ये आर पी माइनस वन, ये है आर के
देखो एक सेकंड, इसमें जो लिखा है हम आपको बताते हैं क्या है। पी आर के ब्रैकेट में RP-1 RK पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन इंटू RK-1 फॉर द सेम ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस साइकिल हैव द हाईएस्ट इफिशियंसी। किसके लिए होगा? 46 का। ए इन एन ऑटो साइकिल आर इज द कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स विच रिलेशन डिफाइंस द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है? 1-1 अपन आर की पावर गामा माइनस वन। इंटरनल कंबस्टन इंजन वर्क्स ऑन, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस थर्मोडायनेमिक लॉ पे वर्क करता है? जो हमारा IC इंजन है या इंजन है हमारा, ये किस पे वर्क करता है? ये वर्क करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था वो किससे रिलेटेड था? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। तो किसकी बात करता है? वो इंजन की बात करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल साइकिल इज डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन एडियाबैटिक इंडेक्स, डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन कंप्रेसर रेशियो, इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, बोथ इन डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन एडियाबैटिक इंडेक्स एंड डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एडिया इंक्रीज इन कंप्रेसर रेशियो। तो हमारे क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? तो ये भी क्या, इन दोनों का क्या है? सम है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, कि बोथ ए और बी दोनों क्या है? इनकरेक्ट है। द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेंड फ्रॉम इंजन इंडिकेटर इंडिकेट्स मीन इफेक्टिव प्रेशर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड, मिनिमम प्रेशर डेवलप्ड, इंस्टेंटेनियस प्रेशर एट एनी इंस्टेंट, या एवरेज प्रेशर। तो हमारा जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है ये एवरेज प्रेशर को डिफाइन करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।